हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सिद्धार्थ महौर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और गाइस, आज मैं वापस आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूँ एक अमरावती के बहुत ही बढ़िया कॉलेज के अंदर, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट। गाइस, अभी मैं हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के अंदर, GCOEA उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो गाइज, आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं इस कॉलेज का फुल रिव्यू वीडियो और पूरा कैंपस हम घूमने वाले हैं। तो वीडियो इन तक जरूर देखें, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ मावले रॉक्स। तो दोस्तों, अभी हमने हमारी जो गाड़ी है वो कॉलेज के अंदर पार्क कर ली है। यहाँ पे आप पार्किंग एरिया भी देख सकते हो। सो अभी घूमेंगे जरा पूरा कॉलेज। सो गाइज, अभी हम कैंपस के अंदर है GCOEA के अंदर, और अभी हमारे पीछे कौन सा IT डिपार्टमेंट है और कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। और आप सभी के लिए हम इस कड़कड़ाती धूप के अंदर आ गए हैं वीडियो शूट करने के लिए। सो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल के लिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम जाने वाले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर और IT डिपार्टमेंट के अंदर। सो चलते अभी, और अभी मेरे अंदर से क्लास चालू है, क्योंकि आप पार्किंग भी देख सकते हो, पूरी फुल है पार्किंग। सो दोस्तों, चलते हैं थोड़ा अंदर। तो गाइज, अभी हम इस बिल्डिंग के सामने हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर कंप्यूटर फैसिलिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अभी देखते हैं, थोड़ा अंदर हमें जाने मिला तो जाके आएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे अभी हम कॉलेज के। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल। सो गाइज, अभी हम कॉलेज के अंदर है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, और हम भूल भूलिया में घुस गए भाई। हमको रास्ता नहीं निकल मिल रहा बाहर जाने का, हम कितने देर से अंदर ही घूम रहे कॉलेज के। मुझे अपने घर जाना है भाई, फाइनली मिल गया रास्ता बाहर जाने का। और कंट्रोल रूम माइनस नहीं आता, जाने दे। सो फाइनली गाइज, बहुत हम कॉलेज के अंदर घूम लिए, बाहर जाने का भी रास्ता मिल गया, निकलते हैं अभी कॉलेज के बाहर। तो अभी तो हम एक ही डिपार्टमेंट में आए, और तो हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाना है, 3-4 डिपार्टमेंट तो हम अंदर जाएंगे और आपको भी पूरा कॉलेज बताएंगे। सो देखो कैसा लगा भाई कंप्यूटर का डिपार्टमेंट। छान बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो दोस्तों, अभी हमने कंप्यूटर साइंस का और IT डिपार्टमेंट और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के जो भी 3-4 डिपार्टमेंट कंबाइन में थे वो हमने देख लिए, अंदर भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। फिर अभी हम जाने वाले हैं और कोई दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल वगैरह जो भी हमें आगे मिलेगा। सो आप कैंपस वगैरह देखे हो मेरे पीछे, पूरी हरियाली है भाई कैंपस के अंदर, बहुत ज़्यादा पेड़ है। यहाँ पे कोई तो भी वॉलीबॉल का कोर्ट है, उसमें भी पूरी घास उग गई है। मेरे अंदाज से यहाँ पे कोई भी बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते ज़्यादा तो नहीं। सो देखते हैं, आज हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे यहाँ के, और उनको पूछेंगे इस कॉलेज का रिव्यू भी। अरे सस्ती सी लाइब्रेरी बेटा, बड़ा हरामी हो बेटा। इसको देख के मुझे किसकी याद आ रही है, देखो APJ अब्दुल कलाम का बेटे। कुछ भी सो गाइज, अभी हम हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर। सो अभी चलते थोड़ा कॉलेज के अंदर, देखते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट कैसा है यहाँ का। सर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंजिनियरिंग च्या जस्ट सोमरच्या साइडला आहे बॉईज हॉस्टेल, तुम्ही पाहू शकता। तर आम्हाला अंदर तर एंट्री भेटणार आहे नाही, बट पाहूया कसं आहे तर। आणि इथं पार्किंगची पण सुविधा दिलेली आहे, तुम्ही बॅक साईडला पाहू शकता बॉईज हॉस्टेल। सर दादा, कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये आहे तू? इन्स्ट्रुमेंटेशन सेकंड इयरला। सेकंड इयरला कॉलेज वगैरे कसं वाटलं तुला? कॉलेजची लाईफ
फक्त फॅकल्टी थोडी फॅकल्टी सोबत बरोबर राहतात. मग हॉस्टेल वगैरे मध्ये राहता घेतले? हो हॉस्टेल. कसं हॉस्टेल? हॉस्टेल एकदम चिल, काही विषयच नाही हॉस्टेलचा, कोणीच काही म्हणत नाही, एकदम आपला अभ्यास वगैरे. कॅम्पस वगैरे आवडला तर कॉलेजचा? कॅम्पस ठीक आहे. कॅन्टीन वगैरे? कॅन्टीन चालू. बरोबर. एवढं खास नाही? नाही एवढं खास नाही, ठीक आहे. बस नॉर्मल. बाकी फेस्ट वगैरे होते का कॉलेजमध्ये? फेस्टमध्ये हो, दोन मोठे फेस्ट होते, एक टेक्निकल इव्हेंट होते आणि एक गॅदरिंग होते असते, गॅदरिंग झेनिथ आणि एक टेक फेस्ट होते. टेक फेस्ट मोठा म्हणजे बजेट वगैरे खूप जास्त राहते टेक फेस्टचा, पण स्टुडंटवर आहे बाकीच्या कॉलेजमधून किती होते. तू पार्टिसिपेट केले साहेब? हो साठी एक मेंबर म्हणजे आम्ही डिपार्टमेंटल मेंबर होतो फेस्टचे, ते सगळं तिला. बाकी कॉलेज लाईफ किती? कॉलेज लाईफ आता एक वर्ष झालं, एक वर्ष डायरेक्ट सेकंड इयर डिप्लोमा. अच्छा, डिप्लोमा तुम्हाला? ठीक आहे मग, थँक्यू दादा. तुझं नाव? मयूर. ठीक आहे. सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बॉयज़ हॉस्टल के वहाँ से, और वहाँ पे हमने एक भैया से बात की, और उसके बाद भी हमें दो तीन भैया मिले, उनसे भी हमने बात की है. सो ऑफ द कैमरा भी बहुत सारे बात ही हुए हैं. सो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा खतरे का है, मतलब भाई बैक में जाते बहुत लोगों के सब्जेक्ट्स वगैरह. सो बाकी कॉलेज वगैरह उन्होंने बोला अच्छा है, कॉलेज लाइफ भी अच्छी है, पर यहाँ पे सबसे अच्छा कंप्यूटर साइंस ही है, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में थोड़ा चिल लाइफ है बोलते, बाकी क्या थोड़ा मतलब है समझ सा आप अभी. एक मार्क से बैकलॉग जाता है. और अभी मैं इस साइड में आया हूँ तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा ग्राउंड देख सकते हो, पूरा ग्राउंड है क्रिकेट वगैरह का. और तो ये पूरा जो बैक साइड में आप देख सकते हो वो सब बॉयज के हॉस्टल्स है. भूतिया बंगला बना के रखा है भाई इधर सब कुछ एकदम. गजब बेइज्जती है. हाँ बहुत सारे पेड़ उग गए हैं यहाँ पे. और अभी क्या पता हम कॉलेज के कौन से साइड में हैं. सो अभी बचा है सिर्फ कैंटीन को विजिट करना. सो अभी हम जाने वाले हैं कैंटीन के अंदर, वहाँ पे कुछ तो भी फूड ट्राई करेंगे. और उन्होंने वैसे बोला था नॉर्मली है कैंटीन का फूड, पर हम तभी भी जाएंगे एक बार कैंटीन का कुछ तो भी ट्राई करेंगे और आपको भी रिव्यू दे देंगे कि कैसा है कैंटीन का फूड यहाँ पे. और संतनु देखो कैसा लग रहा है कॉलेज, मतलब ठीक है यार, मज़ा नहीं आ रहा. देखो अच्छा नहीं लगा? ना जाने दो यार, इसको तो पसंद आया नहीं. वैसे हरियाली बहुत है यहाँ पे, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. झाड़ वगैरह बहुत है, मतलब एनवायरनमेंट अंदर है कॉलेज का अंदर अच्छा है. बस सिर्फ देखो यार आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में थोड़ा डरावना काम है. और वैसे एक खास बात आप सभी को बताना रहेगी है कि नहीं क्या, मतलब हर सब्जेक्ट की सेपरेट पासिंग है अभी. सो यहाँ पे कंबाइन पासिंग का कुछ रूल है नहीं कॉलेज के अंदर. सो आप देखो यार एडमिशन ले रहे होंगे तो, क्योंकि सेपरेट पासिंग है, एक एक सब्जेक्ट की पासिंग निकालनी पड़ती है. सो अभी हम जाते हैं डायरेक्ट कैंटीन की ओर, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कैंटीन के बाहर, वहाँ पे हमने समोसा और वड़ा ट्राई किया था. सो ठीक है, नॉर्मल टेस्ट थी कैंटीन की, जैसे कि भैया ने बताया था, मतलब अच्छा, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं बट ठीक है, चल जाएंगी, इतनी अच्छी थी. मतलब मुझे तो हाँ पी आर कोटे से अच्छा लगा मेरे को नाश्ता वगैरह. तो भाई सब वीडियो में उसकी बुराई कर रहा हूँ, और वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे आ रही है उसकी लिंक, को आप चेकआउट कर सकते हो. सो गाइज, आपको कैसे लगा हमारा ब्लॉग आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पे. और यहाँ पे जो दो वीडियोस की लिंक आ रही है वहाँ हो आप वीडियो भी देख सकते हो. सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ वाले व्लॉग्स. और आपने अभी सब्सक्राइब करते रहो, अच्छे लोग हैं. और आपने पी आर पोटे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप चेकआउट कर सकते हो, और शिपना कॉलेज का भी हमने वीडियो पोस्ट कर लिया है, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट करो. सो बाय बाय गाइज. और शंतनु बाय बोल देना, चलो बाय.